सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो बनने वाला है, ये एग्जॉस्ट के मफलर टिप के ऊपर बनने वाला है। ये एग्जॉस्ट की मफलर टिप है, तो ये मफलर टिप हमारे जो एग्जॉस्ट होता है कार का उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये वैसे तो लुक के लिए लगाते हैं लोग, लेकिन ये जो मफलर टिप है वो थोड़ी अलग है। तो ये मफलर टिप जो है, ये जब आप गाड़ी ऑन करते हो, रेस करते हो, तो इससे आपको फ्लेम निकलती हुई दिखेगी। तो ये स्पोर्ट कार में वगैरह दिखने को मिलती है आपको। तो हमारी जो रेगुलर कार है, जो भी कार्स आते हैं मारुति के, टाटा के, या फिर वॉल्सवैगन, जो भी है रेगुलर मार्केट में, वो सब कार्स में ये फिट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो मफलर टिप है कैसे फिट करते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद इसके सब डिटेल दूंगा, कितनी प्राइस है, कहाँ से मंगाई, कितना कस्टम देना पड़ता है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये जो मफलर टिप मंगाई है, ये हमने अली एक्सप्रेस से मंगाई है और इसकी कीमत कुछ 1800 रुपये में ये हमें मिल जाती है। तो INR में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें कस्टम वगैरह कुछ देना नहीं होता। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एकदम मस्त है इसकी, स्टेनलेस स्टील है प्योर। और इसके बाद ये जो वायर है, ये हीट रजिस्टर्ड वायर है इसमें, तो हीट होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका वायरिंग एकदम सिंपल है, जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट होती है हमारी, उसके जो दो वायर्स होते हैं उसमें ये दो वायर्स हमें लगा देने हैं। इसमें पोलरिटी का कुछ सवाल नहीं है, कैसे भी लगाओ उल्टा सुल्टा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद ये जो हमारा एग्जॉस्ट होता है, उसमें दो टाइप के एग्जॉस्ट आते हैं कार में। तो एक तो होता है नीचे झुका हुआ होता है और दूसरा होता है वो सीधा होता है। तो इसमें दो टाइप आपको भी मिलेगी, एक तो टाइप ऐसा तिरका मिलेगा, ये जो मैंने मंगाया है, क्योंकि मेरा जो साइलेंसर है वो नीचे झुका हुआ है। तो कुछ गाड़ियों के एकदम सीधे होते हैं, उसमें ये जो टिप है वो सीधी भी मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, इसके दो टाइप मिल जाएगा। और उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये परचेस करनी है तो परचेस कर सकते हो। तो इसका इंस्टॉलेशन मैंने बताया कैसे करना है वायरिंग का, तो इसका इंस्टॉलेशन भी एकदम सिंपल है। ये जो एग्जॉस्ट का पाइप है उसके ऊपर ये लगा देनी है, और इसके बाद ये 4 नंबर की एलिंक है, ये 3 एलिंक है, ऐसे टाइट करनी है, एकदम फुल टाइट करनी है, तीनों सेम करनी है। ये देखो, ये नट लूज करके, और टाइट हो जाने के बाद ये 14 नंबर का नट है, तो 14 नंबर का नट ऐसे टाइट करना है, लॉक हो जाएगी। इतना सिंपल इसका इंस्टॉलेशन है। तो इसका इंस्टॉलेशन मैं कर लेता हूँ, इसके ऊपर ये रख के ये ज्वेलिंकी के नट वगैरह टाइट कर लेता हूँ। और तो ये वायरिंग देखोगे तो एकदम प्रॉपर हो गया, एकदम टाइट हो गई है। और बम्पर के और इसमें बीच में भी गैप है, तो बम्पर के और इसके बीच में गैप रखना है जब भी हम ये इंस्टॉल करते हो, तो नहीं तो क्या थोड़ा सा नॉइस आता है बम्पर के ऊपर ये टच होने के बाद। तो ये जो फ्लेम थ्रोअर मफलर है या फिर मफलर टिप है, ये लगाना बहुत कॉस्टली होता है, जो रियल होती है वो, ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि इसके अंदर है ना, आप देखोगे तो ये देखो, ये एक कांच है और कांच के अंदर जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है उसमें एक बल्ब लगा हुआ है, तो इसका सब कमाल है ये। तो इससे ये जो फ्लेम है वो क्रिएट हो जाती है और रियल फ्लेम लगती है, लेकिन ये रियल फ्लेम नहीं है। लेकिन रियल फ्लेम वाला एग्जॉस्ट लगाना बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें इंजन में चेंजेस करने होते हैं, जो हमारा साइलेंसर है या फिर एग्जॉस्ट है वो पूरा नया डालना होता है, फ्री फ्लो वाला, और ECU वगैरह, रीमैप वगैरह, बहुत कॉस्टली काम है। और ये करने के बाद भी जो हमारी गाड़ी है वो माइलेज एकदम कम देती है, लेकिन ये आप मफलर यूज़ करते हो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी गाड़ी की ओरिजिनलिटी है वो वैसे की वैसे रहती है, सिर्फ ये मफलर लगता है और इसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन देना पड़ता है, सिर्फ लाइट जलती है इसमें। ये जो फ्लेम है ये रियल फ्लेम नहीं है, इसमें आग वगैरह लगने का कुछ संबंध भी नहीं है। जो आपके एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके, मतलब उसमें जो लाइट मारी जाती है उससे आपको फ्लेम जैसा सिर्फ लगता है, लगने में बहुत अच्छे दिखते हैं, बाकी सब अच्छा है, प्राइस कम है, गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं है इससे। और ये जो है, ये जो टिप डीजल गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि डीजल गाड़ियों जो भी गाड़ी है वो थोड़ा सा धुआं मारती है रेस करने के बाद, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में ऐसा नहीं होता। पेट्रोल गाड़ी में काम करेगी लेकिन इतना अच्छा नहीं करेगी डीजल जैसा। तो ये मेरी डीजल गाड़ी है, और जो भी डीजल गाड़ी है उसमें थोड़ा सा धुआं तो देती ही गाड़ी, नई गाड़ी भी देती है, लेकिन आँखों से दिखता नहीं, लेकिन जो लाइट इसकी जाती है उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें हमें फ्लेम जैसा नज़र आता है। तो अभी पार्किंग लाइट ऑन करके देखते हैं, पार्किंग लाइट ऑन करो, ये देखो, ये पार्किंग लाइट ऑन करने के बाद इसका बल्ब है ये जला हुआ है, और हर हाले एंगल से इसकी जो रोशनी है, ये देखो, ये रेड है, यहाँ से देखूँगा, ये देखो, ये येलो है, ये कमाल है इसमें, और इससे ही फ्लेम
हमारी क्रिएट होती है। ठीक है, अभी थोड़ा रात होने का इंतज़ार करते हैं, इसके बाद इसकी फ्लेम दिखा। तो अब काफ़ी अंधेरा हो गया, रात हो गई है और पीछे से कुछ इस तरह इसका लुक दिखता है। और पीछे मैं खड़ा रहा तो जो लाइट है ये आँखों पे नहीं जा रही है, नीचे ही जा रही है। ठीक है, तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं फ्लेम कैसे आती है। तो मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये गाड़ी चालू हो गई, ये देखो। तो मैंने मेरी कैमरे की जो LED लाइट है ये बंद कर दी है, देखो। और अभी रेस करके देखते हैं हम, ये देखो कुछ इस तरह आपको फ्लेम दिखाई देगी। तो आइडलिंग पे नहीं दिखेगी आपको, थोड़ी थोड़ी दिखेगी, ये देखो। ये कुछ है, थोड़ा सा रेस करके देखते हैं अभी, ये थोड़ा सा रेस करेंगे तो ऐसे दिखेगी। और डीजल गाड़ी का क्या है, वो ज़्यादा हिल्स पे वगैरह है ना, हम लोअर गियर पे गाड़ी चलाते हैं तो रनिंग में थोड़ा धुआं छोड़ती है, तो रनिंग में ये फ्लेम हमें दिखेगी। तो लास्ट में हम रनिंग में भी देखेंगे कैसी फ्लेम मिलती है। तो अभी और एक बार रेस करके देखते हैं, ये इस तरह दिखेगी। ये जो एग्जॉस्ट टिप है ये बहुत कमाल की चीज़ लगी मुझे। और ये जो टिप है ये आपके कार के लिए, कार के इंजन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए ज़रा भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो निकलने वाली फ्लेम है ये फेक फ्लेम है, मतलब ये रियल फ्लेम नहीं है, ये सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेम बनाई गई है उस पर कलर की लाइट मार के। और ये लेकिन दिखने में तो एकदम रियल फ्लेम दिखती है, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी को एकदम मस्त और स्पोर्टी लुक देती है, और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये चीज़ भी एकदम नई है, क्योंकि मफलर तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन इस तरह का फ्लेम थ्रोअर मफलर नहीं देखा होगा। तो अगर आपको ये टिप लगानी है तो आपकी डीजल गाड़ी है तो ही लगाओ, पेट्रोल गाड़ी में लगा के कुछ मतलब नहीं। पेट्रोल गाड़ी में क्या है, तो थोड़ा इससे स्टीम वगैरह आती है ना सुबह को वगैरह, तभी काम करेगी ये, तो ज़्यादा काम अच्छा नहीं करेगी पेट्रोल में। तो डीजल कार है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, और डीजल कार में काम भी ये बहुत अच्छा करेगी, जो फ्लेम है ये आपको एकदम मस्त मिलेगी। और आपको ख़रीदनी है डीजल कार के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद आपको कुछ 1800 रुपये के आसपास आपका खर्चा होगा, इसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह ज़रा भी नहीं लगेगी, और 14 दिन के आसपास ये आपको डिलीवर हो जाएगी। तो मुझे महाराष्ट्र में ये कुछ 13-14 दिन में डिलीवर हो गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।